बड़वाह में सुहागन महिलाओं और कुंवारी युवतियों ने हरितालिका तीज के व्रत को रखते हुए माता गौरी और भगवान शिव की पूजन अर्चन कर तीज के पर्व को आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया। व्रतधारी महिलाओं ने मां पार्वती की पूजन कर सुहागन श्रृंगार की सभी चीजें चढ़ाई, तो वहीं भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक कर बेलपत्र धतूरा नारियल फूल अर्पित करते हुए व्रत को मनाया। वहीं व्रत में कथा का श्रवण पान भी किया। मान्यता है कि इस व्रत को करने से कुंवारी लड़कियों के मन चाहे वर की प्राप्ति उन्हें हो जाती है, तो वहीं सुहागन महिलाओं को माता शंकर पार्वती जी सदा सुहागन रखने का वरदान देते हैं। हरितालिका व्रत कथा जब करते हैं जब हस्त नक्षत्र हो, द्वितीय तिथि हो, इस उस नक्षत्र में करना ज्यादा अच्छा रहता है। और हरितालिका व्रत को दिन भर पूजा करते हैं, शाम को जागरण करते हैं और जागरण से गीत वगैरह सब बाजे ढोल गा के रात भर भाइयों को जागरण करवा के सुबह उनका विसर्जन करने जाते हैं। इसमें बालू का रिंग बनाते हैं और साथ में गणपति भगवान गौरव माता सबकी पूजा करते हैं और फूल पत्ती जितने भी मिलते हैं सब चढ़ाते हैं, फल फ्रूट मिष्ठान वगैरह और सबको चढ़ा के भगवान की पूजा करते हैं, आरती करते हैं और गाना बजाने के साथ में इसका विसर्जन करते हैं। हरितालिका व्रत का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह व्रत सुहागन महिलाओं के द्वारा कन्याओं के द्वारा रखा जाता है और यह व्रत कन्याएं रखती हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है और सुहागन महिलाएं भी इसे रखती हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख और समृद्धि मिलती है। यह व्रत शिव और पार्वती जी के लिए किया जाता है और शिव और पार्वती जी ने जिस तरह से शिव जी को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को किया था उसी आकांक्षा को मन में लेकर सभी महिलाएं इस व्रत को करती हैं।